नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चीन नेपाल ने भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत में 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। संक्रमण के भय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर देश के पड़ोसी देशों ने भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दी। बता दें कि तनाव को भूलकर चीन और नेपाल ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। चीन के राजदूत ने आपसी सहयोग के साथ विकास करने की उम्मीद जताई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर बधाई दी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में फिलहाल 2 से 3 दिन तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक बादल के साथ बारिश होने की असर है। 16 अगस्त को राज्य भर में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच किसान भाई अपने अपने घरों में ही रहे, मौसम सामान्य होने के बाद ही अपने खेतों में काम पर जाएं। शिक्षकों का गृह जिला में होगा तबादला। मंत्री राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि शिक्षकों को उनके गृह जिला में सेवा देने का अवसर दिया जाएगा। वर्तमान में कई ऐसे शिक्षक पति पत्नी हैं जो अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों को भी एक जिला में स्थानांतरित किए जाएंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिलों को जोन में बांटा जाएगा। सभी जोन में शिक्षकों के लिए सेवा देना अनिवार्य होगा। झारखंड में आज 547 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 95, पूर्वी सिंहभूम 89, धनबाद 106, गिरिडीह 1, हजारीबाग 29, पलामू 32, कोडरमा 3, सिमडेगा 9, गढ़वा 22, रामगढ़ 18, देवघर 9, पश्चिमी सिंहभूम 32, गोड्डा 3, सरायकेला 12, बोकारो 23, लातेहार 13, खूंटी 30, साहिबगंज 1, पाकुड़ 9, जामताड़ा से 8 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 22,672 है, जबकि 14,181 लोग स्वस्थ हुए और 229 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 25,89,208 है, जबकि 18,60,672 लोग स्वस्थ हुए और 50,084 की मृत्यु हुई है। भारत में नए केस 63,986 मिले, जबकि 53,116 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। शनिवार को राज्य में 5 की मौत हुई है, जो पूर्वी सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 2 हैं। शनिवार को 503 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जो रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम से 256, गिरिडीह 37, हजारीबाग 15, कोडरमा 38, सिमडेगा 42, रामगढ़ 25, देवघर 9, पश्चिमी सिंहभूम 3, सरायकेला 15, लातेहार 8, खूंटी 33, साहिबगंज 11, दुमका 2, जामताड़ा से 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 5,000 स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य को कई सौगात दी है। उन्होंने इस मौके पर कई घोषणाएं भी की। रांची के मोराबादी मैदान में पहली बार अपनी नई BMW कार से पहुंचे हेमंत सोरेन ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन बनाए गए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। सरकार ने 5,000 विद्यालय को शिक्षक छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने फहराया झंडा। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में उच्च न्यायालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर भूतपूर्व न्यायाधीशों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वर्चुअल माध्यम से झंडोत्तोलन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। रिम्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित। झंडोत्तोलन के बाद रिम्स निदेशक ने अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, जिसमें नर्सिंग इंचार्ज राम रेखा सिस्टर भी सम्मिलित थी। सिस्टर ने सेवा के मामले में एक मिसाल पेश की है। कोरोना काल में जहां मरीजों को भी कोरोना वार्ड में जाने में डर लगता है, वहीं राम रेखा सिस्टर ने रिम्स में एक मिसाल पेश कर दी है। सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक जब कार्यकर्ता मरीजों के लिए समर्पित रहती है,
वार्ड में शिफ्ट करवाना, डिस्चार्ज करवाना और मरीजों का ख्याल रखना सभी इनके जिम्मा थे। झारखंड में किसानों का 2000 करोड़ रुपये ऋण माफ होगा, राज्यपाल। दुमका में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष ऋण माफी योजना अंतर्गत राज्य के किसानों का 2000 करोड़ रुपये ऋण माफ का लक्ष्य रखा है। एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के विकास का पहिया अनवरत आगे बढ़ते रहे इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है। कृषि ऋण माफी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार मसौदा तैयार कर रही है, इसके लिए कृषि विभाग राज्य स्तरीय कमेटी बनाएगी। कमेटी अपने स्तर से कर्ज माफी को लेकर सारी चीज़ों को बारीकी से देखेगी। इसके साथ ही कर्ज माफी के लिए नीति बनाई जाएगी। यह कमेटी कर्ज माफी के लिए योग्यता और किसान कर्ज माफ किया जाएगा जैसे तथ्यों को सामने रखेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे किसान की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद कर्ज माफी का रास्ता बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में 75% पदों पर स्थानीयों को आरक्षण, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के वीर शहीदों को याद करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण दिलाने के लिए नियम बनाने पर काम हो रहा है। हजारीबाग में उपायुक्त ने किया झंडोत्तोलन। हजारीबाग जिला मुख्यालय के करजन मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मनाया गया। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने झंडोत्तोलन किया, साथ ही परेड की सलामी ली। संक्रमण के दिशा निर्देश के अंतर्गत सीमित संख्या में ही समारोह में लोगों की उपस्थिति थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। विधायक अंबा का फॉर्चूनर दुर्घटनाग्रस्त। रामगढ़ पतरातू मार्ग पर आर्मी स्कूल रामगढ़ के पास शनिवार को बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद की फॉर्चूनर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इससे वह बाल बाल बच गई है। वह स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन करने के लिए हजारीबाग से पतरातू जा रही थी। अनुबंध कर्मियों के लिए बन सकती है कमेटी। स्थानीयों को फिर से परिभाषित करने, प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण प्रतिशत पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के साथ हो सकता है। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, कार्य अवधि और मानदेय की राशि में एक रूपता को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर विचार चल रहा है। धनबाद में DBT माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण। धनबाद जिला के विभिन्न अस्पताल तथा डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में विभिन्न पद पर कार्यरत 328 कर्मियों के बीच DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि वितरण की जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने शनिवार को बताया कि 328 कर्मियों के बीच 2,25,435 रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरण की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से संबंधित कर्मी के खाते में भेजने के लिए निर्देश दिया है। स्वतंत्र भारत की नींव में असंख्य राष्ट्रभक्तों महापुरुषों का त्याग, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे स्वतंत्र भारत की नींव में असंख्य राष्ट्रभक्तों महापुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। इस महापर्व पर देश की स्वाधीनता के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों का कोटि-कोटि वंदन। मुख्यमंत्री शनिवार को मोराबादी मैदान में आयोजित 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। गरीबों के हित में काम कर रही झारखंड सरकार, मंत्री। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में सार्वजनिक झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया, साथ ही तिरंगे के रंग वाले बैलून उड़ाए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के साथ हमें पिछली सरकार से कई चुनौतियां एवं खाली खजाना हाथ लगा है, इसके बावजूद सरकार गरीबों के हित में कई कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शहीद स्थल स्मारक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झंडोत्तोलन किया और फिर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्योछार करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए।
देश कभी इन वीरों के बलिदान को भूल नहीं सकता है। रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर डीसी ने 36 वरीय को किए सम्मानित। रामगढ़ जिला में देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीसी संदीप सिंह ने शनिवार को सिद्धू कान्हू मैदान में तिरंगा फहराया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों के आयोजन पर 2 गज शारीरिक दूरी एवं सभी गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन किया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आईपीएल के लिए चेन्नई पहुंचने के बाद उन्होंने यह घोषणा की, हालांकि वे आईपीएल खेलते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।